अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एहसन सैफ, एक बार फिर आपके साथ आपके और अपने चैनल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड ब्लॉगिंग टिप्स एंड ट्रिक्स में मौजूद हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो टॉपिक है कि हम किस तरह अपनी ब्लॉगर साइट के लिए एक साइट मैप बनाकर उसको सबमिट कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल में। तो फ्रेंड्स, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि ये हम क्यों करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसके यहाँ पर रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुँच जाएंगे और ये बिल्कुल फ्री है। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप अपने ब्लॉगर डैशबोर्ड में लॉग इन हो जाएँ। फ्रेंड, ये मेरा एक ब्लॉग है, अभी न्यू क्रिएट किया है मैंने, तो मैं इसका जो साइट मैप है सबमिट करूँगा। ठीक है, तो उसको सबमिट करने के लिए यहाँ पर आपको सिंपली जाना है, या आप गूगल में भी टाइप कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल। मैं यहाँ पर जाऊँगा सेटिंग में और फिर उसके बाद यहाँ पर सर्च प्रेफरेंसेस पर क्लिक करूँगा और अब यहाँ पर आपको ये सर्च कंसोल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने उसको एडिट करना है। आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट गूगल के वेबमास्टर टूल पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे ये ओपन होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह इसको सबमिट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये हम ऐड क्यों करते हैं, ये हम इसलिए ऐड करते हैं कि गूगल हमारी साइट को पहचान सके, ईज़िली उसको क्रॉल कर सके, उसके अंदर जो पेजेस हैं उसको रीड कर सके और उसको इंडेक्स कर सके, ताकि हमारे जो साइट की ऐसी है वो बेटर हो जाए और हमारे पास एक अच्छी ट्रैफिक आ सके। तो यहाँ पर मैं ऐड न्यू साइट पर क्लिक करता हूँ, ऐड प्रॉपर्टी पर मैं इस साइट का यूआरएल कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर आपने इसको सबसे पहले पेस्ट करना है, पेस्ट, और उसको ऐड कर देना है। आपकी प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, उसके बाद आपने इसको यहाँ पर, आपके पास कुछ देर में यहाँ पर ये हमारे पास साइट मैप का ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ भी, और यहाँ पर क्रॉल पर जाएंगे तो यहाँ पर ये भी हमारे पास साइट मैप का ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर साइट मैप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप ऐड साइट मैप पर क्लिक करें, उसके बाद आप यहाँ पर साइट मैप डॉट xml उसको आप टेस्ट कर लें, योर रिजल्ट्स। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर मैंने अभी इसकी बेसिक एसईओ नहीं की, पर आपने इसको इसी तरह करना है, साइट मैप डॉट xml और उसके बाद आपने सबमिट कर देना है साइट। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आपको यहाँ पर सिंपली xml.sitemap.xml का टैग यूज़ करना है और आपको सिंपली सबमिट कर देना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपका जो साइट मैप है वो जल्दी इंडेक्स हो जाएगा, जल्दी सबमिट हो जाएगा, क्योंकि आपने बेसिक SEO की होगी। क्योंकि मैंने ये अभी न्यू ब्लॉग क्रिएट किया है जिसकी मैंने अभी कुछ भी बेसिक SEO नहीं की, ना ही 404 पेज अंदर ऐड किया है। इसी तरह आप यहाँ पर sitemap.xml का टैग यूज़ करेंगे और सबमिट करेंगे, आपका एक से दो दिन में, हो सकता है एक ही दिन में आपका जो है साइट मैप वो सबमिट भी हो जाए और इंडेक्स भी हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप अपना साइट मैप जो है सबमिट कर सकते हैं और एक अच्छी ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी मालूमात चाहिए, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप अपना फीडबैक भी मुझे अपना कमेंट में दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।